നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ അദീൽ ഭായിന്റെ കൂടെ അരുൺ ഭായിനെ കൂട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ അരുൺ ഭായിന്റെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പിന്നെ ഇവിടെ 23rd ഇവന്റിന്റെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് ഗ്യാതറിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ അദീൽ ഭായിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാണ്. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അദീൽ ഭായി. അവർ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ റീച്ചിംഗ് ഇൻ കേരള, ദേ വാണ്ട് ടു ലിസൺ ഫ്രം യു. ഹിന്ദി മേ ബി ബോളോ. ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेयरएवर यू आर. इट्स मोहम्मद अदील, ब्लैक डायमंड फ्रॉम यूके. इस वक्त हम दुबई के अंदर हैं और हमारे साथ बैठे हैं शरीफ भाई फ्रॉम केरला. ही इज द टॉप लीडर फ्रॉम देयर. ही केम हियर टू मीट मी इन दुबई. वी हैड अ डिस्कशन. I gave him lots of updates about exchange, about OFCs, about deal shaker, and we'll be having more webinars and online meetings from next week. This time we are very busy here in Dubai because all the team leaders are here. Everybody know that the 23rd of March tomorrow, it was today. Yeah, today's event was postponed about 2 weeks ago due to some unfortunate circumstances. But still the leaders arrived here. I'm meeting one by one every leader and providing them all the updates, and Mr. Sharif came as well just to get some updates, you know. And he's fully updated, going back tonight, and I'm wishing him a safe journey back home. Kerala walon ke liye, aap logon ke liye message ye hai ke hame 4 saal ho gaye hain is company ke saath. Is waqt is company ko bhi tareeban 4 saal ho chuke hain. आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स अब तक आई हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं इस कंपनी के लिए. आई बिलीव दैट देर वॉज अबाउट 187 इन्वेस्टिगेशन एंड दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट दिस कंपनी, बट नथिंग हैज़ बिन प्रूवन येट. और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी जब तक आप कामयाब नहीं होते, क्योंकि आपको सक्सेस थाली में जो है ना गुजराती थाली में नहीं मिलेगी. इस वक्त हम गुजराती रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, सब बैठ के खाना खा रही है. देखें तो गेट दिस. हेलो एवरीबॉडी, हेलो, दिस इज अवर गुजरात टीम. यस, ऑल द फ्रेंड्स सिटिंग हियर, मिस्टर अरुण, अवर डायमंड जीएलजी मेंबर मिस्टर अब्दुल सलीम, शरीफ भाई एंड हियर. सो वी आर मीटिंग अप, यू नो, एवरीबॉडी इज टुगेदर, एवरीबॉडी इज स्ट्रॉन्गर. हमने इसको मजीद फोर्स के साथ इकट्ठे होके आगे लेके चलना है. और बाकी आपको पता है कि कंपनी को जब भी कोई ट्रबल या कोई प्रॉब्लम होती है तो इनकी बहुत सी लीगल टीम्स हैं, यूएसए में भी इनकी टीम बैठी हुई है. तो कभी भी कुछ भी हो, काम कभी नहीं रुकेगा और ना इस कंपनी को रोक सकता है. जिन कंपनी ने भागना होता है या स्कैम करना होता है या छोड़ के जाना होता है, वो कंपनीज कभी डिफेंड नहीं करती. चोर कभी भी अपनी चोरी को डिफेंड नहीं करता, वो बस चोरी करके भाग जाता और उस रास्ते में दोबारा नहीं जाता. ठीक है, इनको अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है, उसके लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम इकट्ठे हैं. बहुत से लोग नेगेटिव न्यूज भी फैला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और उन तमाम जगह के ऊपर, और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं. और ये वो लोग हैं जिनका बेसिकली एजेंडा ये है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के मिसलीड करके आप लोगों को किसी और वेंचर में लेके जाया जाए. ठीक है, यहाँ पे आपने पैसे लगाए हैं, जो भी किया सारा कुछ है. हम भी आपके साथ पिछले 4 साल से वेट कर रहे हैं और 3.5 मिलियन मेंबर्स हैं. ठीक है, लेकिन ये लोग जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या चाहते हैं कि जो आपके पास आपका बचा कुचा जो जमा पूंजी उसको भी लेके वो कहीं और पे आपको लेकर चले जाए. और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान के अंदर भी और भी दूसरी कंट्रीज में, जिन्होंने पिछले 6 महीने में 4-4 कंपनीज चेंज की हैं. 4-4, 5-5 कंपनीज लोगों को पैसा लगवा के और अभी डिसअपियर हो गए. ठीक है, हम लोग जो पिछले 4 साल से खड़े हैं ऐसे लीडर्स वन लाइफ के अंदर, जो कि बेसिकली पायनियर्स हैं, ये वो लोग हैं इस वक्त भी जो ये आप जो लोगों को देख रहे हैं या ये जो लोग गुजरात की टीम आके बैठी हुई है, ये वो लोग हैं जो अच्छे बुरे वक्त में कंपनी के साथ होते हैं. अच्छे वक्त में हर बंदा आ जाता है, जब बुरा वक्त हो तब भी आपको साथ खड़ा होना पड़ता है. और मैं नहीं समझता कि ये बुरा वक्त है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन और इससे हम डील कर रहे हैं. ठीक है ना, इसको हम डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, फाइट बैक कर रहे हैं और ये आप सबके लिए खुशी की खबर होनी चाहिए. तो कॉरपोरेट ने स्टेटमेंट दी है ओएफसीज के ऊपर, जहां पे जो कंप्लेन चल रही है कि जी हमें प्रमोशन नहीं मिली, हमने 200 ओएफसी हमें लिए थे कॉइन के, लेकिन अभी हमें वही पुरानी प्रमोशन के बगैर जो है. इस पर भी कंपनी ने एक्सप्लेन किया कि देखें
इससे कोई कॉइन की लिक्विडिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अभी जो भी आपको कॉइन्स आए हैं 20% उसी पे आप जो है इत्तेफाक करें, ठीक है। बाकी अगर कुछ होगा तो वो कंपनी इसके ऊपर मजीद बताएगी। एक्सचेंज के ऊपर कंपनी ने एक बड़ी सीरियस चीज जो है बताई है, वो ये बताई है कि एक्सचेंज जनवरी से रेडी है। एक्सचेंज जो है वो रेडी है सिंस जनवरी, ठीक है, एंड दिस इज अमेजिंग न्यूज। और आज जो इवेंट होने जा रहा था, मैं जरा थोड़ा सा आपको, हमने तो ये सरप्राइज रखा हुआ था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब ये इवेंट लॉन्च होगा या इवेंट स्टार्ट होगा तो कॉन्स्टेंटिन आके यहाँ पे एक्सचेंज अनाउंस करेंगे। सो आज के दिन एक्सचेंज अनाउंस होने जा रहा था, और नेक्स्ट मंथ किसी भी वक्त ये इसको आने वाले वक्त में कभी भी इसको जो है वो डेट, आज जो भी वो देते वो फाइनल डेट होती, क्योंकि एक्सचेंज रेडी है, ठीक है। अब बात करने का मकसद ये है कि बहुत सी ऐसी कुव्वतें, बहुत सी ऐसी फोर्सेज जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बाहर बैठ के, इनकी बहुत कोशिश है कि किसी तरीके से ये कंपनी बंद हो जाए, बस दैट्स व्हाट दे वांट, ठीक है। कंपनी खत्म हो, ये लोग भागे, इनको पकड़ो। उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कंपनी भी बहुत बड़ी है, और ये पीछे भी नहीं हट रहे, सारा कुछ कर लिया इन्होंने, एक्सचेंज भी अपनी रेडी कर ली है, सारा कुछ अगर लॉन्च करेंगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स और उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा जिन्होंने अपने छोटे छोटे स्कैम कॉइन बनाए हुए हैं, जिन्होंने लाखों डॉलर्स तो इन्वेस्ट किए हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनका फिर कोई फ्यूचर नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें, और बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो कि मैं इस वक्त आपको वीडियो पे नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले वक्त में हम बहुत सी ऐसी चीजों को भी एक्सपोज करेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में आपको बताएंगे कि जो इस काम में मुलव्वस है, ये जो इस वक्त जो हमारा जो इवेंट कैंसिल हुआ है उसको कैंसिल करवाने में, और ये सारा जो काम किया है कॉन्स्टेंटिन के साथ, इसके बारे में भी हम आपको फ्यूचर में बताएंगे कि ये पूरी प्री प्लान्ड गेम थी, ठीक है ना। लेकिन डोंट वरी, ठीक है, हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और ये चैलेंजेस वगैरह आते रहेंगे, इन चैलेंजेस से आपने डरना नहीं, घबराना नहीं है। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मेरा जो टेलीग्राम का चैनल म्यूटेड है, मेरे व्हाट्सएप के चैनल्स म्यूटेड हैं, मैं जवाब नहीं देता। बात करने का मकसद, जो टेलीग्राम का चैनल है वो तो फर्स्ट डे से म्यूटेड है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए रखा हुआ है, वो क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं है। जो व्हाट्सएप के चैनल्स हमने म्यूट किए हुए हैं उसकी वजह यह है कि 100 से अबव चैनल्स हैं, 5-7 ऐसे स्पेशल चैनल्स व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स अब भी हैं जहां पे एवरी डे क्वेश्चंस होते हैं और हम एवरी डे उसके आंसर भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जहां पे जिन लोगों का वन कॉइन के साथ लेना देना नहीं है, मेजोरिटी उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जो बाहर से आके सिर्फ क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना लोगों में, पैनिक, तो इसलिए उन ग्रुप्स को हमने म्यूट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने जेहन में रखनी है, और ऐसा कभी मत सोचिएगा के लीडर्स छोड़ के चले गए हैं या कंपनी कहीं पे चली गई है। मैं यहाँ पे दुबई में बैठा हुआ हूँ क्योंकि जो मेन लीडर्स थे उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल नहीं की, वो सब के सब यहाँ पे आए हैं, सब यहाँ पे आए हैं, हर लीडर इंडोनेशिया, मलेशिया से, ठीक है, थैंक यू, मलेशिया से, सिंगापुर से, यूके से, यूरोप से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, यहाँ पे आज हमने कुछ नए जीएलजी मेंबर भी अनाउंस किए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अफान खान को पाकिस्तान से, जो जीएलजी मेंबर बने हैं, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट 20 इयर्स ओल्ड बॉय हु बिकम जीएलजी एंड विदाउट एनी रैंक, व्हाई, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क फॉर डील शेकर, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे और भी युगांडा से बहुत से लीडर्स जो हैं, हमारे शरीफ भाई जो हैं, इनकी भी नॉमिनेशन कन्फर्म्ड है, नेक्स्ट नॉमिनेशन पे इनका नाम भी इंशाल्लाह अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। और बहुत से यहाँ पे हमारे गुजरात के लीडर बैठे हुए हैं, ठीक है, इनमें से भी बहुत से लोग आप आने वाले वक्त में जीएलजी के लीडर्स देखेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी काम रुका नहीं है, यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे आके, वो अपनी टीम्स के लिए बैठे हैं, और हम उनसे वन बाय वन मिल रहे हैं हर जगह पे, और पूरी स्ट्रेटेजी सेट कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग हमें स्टॉप करना चाह रहे हैं उनको हम तोड़ फोड़ के, उनका नामो निशान भी नहीं छोड़ेंगे, मेरी बात याद रखिएगा। हमने ऑब्वियस देखिए, कंपनी या तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खुद बोल रही है कि अच्छा यार हम जा रहे हैं, हमें उसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ठीक है, कंपनी कह रही है कि हम तो फाइट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज को आप गलत स्कैम या नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं ले सकते, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि क्या कंपनी आपके साथ है या नहीं है, ठीक है। कभी कंपनी बहुत ही एक्टिव है, कभी नहीं एक्टिव है, अभी उनका जो फोकस है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी है, ठीक है। और इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर वहां पे ट्रायल भी स्टार्ट हो जाता तो दैट डजंट मीन कि भाई बहुत सी चीजें डिले हो जाएंगी या बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, कुछ भी नहीं होगा, सारा बैकअप अवेलेबल है, ठीक है, हर चीज रेडी है, और सारे तुरब के पत्ते
कंपनी के हाथ के अंदर है, ठीक है। जब वो चाहें वो उसको खेल लेंगे, और उसके कंपनी के तमाम लीडर्स जो एक्टिव थे, एक्टिव है, एक्टिव रहेंगे, ठीक है। आप लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे इसमें आपका फायदा, नहीं भी करेंगे तो हमने तो इसके साथ चलना है और इसको कामयाब करना है। लिहाजा लेट्स गेट टुगेदर, विल मीट अगेन, अंटिल देन थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू।